अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और रोज़ा जो है लगा हुआ भी है, जाहिर सी बात है, और ज़्यादा नहीं भी लगा हुआ, लेकिन गर्मी है मुल्तान में तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे रोज़ा लग रहा था। तो आई होप आप लोगों के भी रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। तो चलें जी, व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज डे की जो रूटीन होगी। तो अभी तो जाहिर सी बात है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो है अयान सोया पड़ा है, अयान का भी रोज़ा है और मेरा भी रोज़ा है। और अभी हमने इनकी कोई भी शॉपिंग नहीं की है, जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ थोड़ी सी, के शॉपिंग पे जाना चाहिए। तो बस दो दिन बाद जाना है शॉपिंग पे, ईद से 5 दिन पहले। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या ख़रीदते हैं। कुछ नहीं, मैंने दर्जन को वैसे कपड़े दे दिए थे सिलने के लिए, तो एक सूट मेरा सिल के आ चुका है, तो अभी एक और सूट मैंने दे दिया सिलने के लिए। बाकी फिर देखती हूँ, अगर लेती हूँ तो गर्मियों की लूँगी, वरना अभी कोई पता नहीं है। एक जो है मेरी ये वाली शर्ट भी सिल के आ गई है, लेकिन इसके साथ जो है मैंने ट्राउज़र मैच करनी है, और ये उस पर ब्लैक लगाया है उसमें लेस को। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक या इनमें से जो और कलर है कोई और देख लेती हूँ, लेकिन ये शर्ट भी मुझे प्यारी लग रही थी, ईद के दूसरे दिन पहन लूँगी तो जो है अच्छा लग रहा था मुझे, और लेस भी अच्छी ही लगाई है। लेकिन इसमें से कंट्रास्ट करने के लिए मैं सोच रही हूँ, कुछ आप आइडिया दे दो। तो बस देखो कौन सी शेड जो है इसके साथ मैच करती हूँ फिर मैं। अच्छा जी, तो अभी किया है फेशियल और आईब्रोज़ किए हैं मैंने। तो अभी सैलून पे आई हुई थी, तो मैंने कहा कि अभी यहाँ से समेट के आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी दिखा तो नहीं सकती ना, कि कस्टमर जाहिर सी बात है उनसे पहले पूछ के फिर वो करते हैं। ये है मेरा जी छोटा सा सेटअप, और अच्छा किया हुआ है। और ये ऊपर जो बेड वाला सोफ़ा है ये इधर मैंने रखा हुआ है, और ये ऊपर जा नहीं सकता। तो बाकी सारी सेटिंग की अभी मैंने जो है थोड़ा सा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इसको समेट के रखते हैं सब चीज़ों को, और मैं फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा गाइस, तो ये वाला जो मेरा नेल रिमूवर था, तो ये मैंने पर्स में रखा हुआ था और ये सारा गिर गया, और मेरी सारी चेकबुक ख़राब हो गई है। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि पता नहीं चेक एक्सेप्ट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये मेरे पास खाली बॉटल पड़ी थी। अभी मैं इसको इसके अंदर जो है डालूंगी, पता नहीं इसका ढक्कन चेंज हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैंने पर्स में क्यों रखा था मुझे समझ ही नहीं आ रही। अभी मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये वाली बॉटल पूरी भर चुकी है, ठीक है, उसके बाद भी ये बच गया है। और इसके बाद जो है मेरा गला अभी थोड़ा सा सूखा हुआ है, जैसी बात है रोज़ा, तो जी मुझे प्यास लग रही है। और ये बच गया, इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ, तो मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन ये वाली जो मेरी बॉटल है ये बन गई है, तो इसका भी रखते हैं, थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। अभी मैंने सामान निकाला है तो उसमें से ये मुझे मिली है, तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, या सैलून में रख दूँगी या यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला मेरा नेकलेस था बहुत प्यारा, और इसमें जो है ये जो बेस थी ये टूट गई है, और इसका ये हाल हो गया। अभी मैं इसको करती हूँ वॉश, और इसको जो है देखती हूँ कि ये हो सकता है ठीक या नहीं। बहुत ही प्यारा था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा था। और इसका हशर नशर हो चुका है इसकी वजह से, ये टूट गया था आसमान में। बस फिर मैंने ये थोड़ी सी पीने वगैरह अलग की हैं, बहुत सामान है जो सारा का सारा जो है ना मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो पुराने घर में भी मैंने नहीं खोली थी। अभी मैं इसको वॉश करती हूँ, इतना प्यारा, मैंने सोचा था मैं टिकटॉक बनाऊँगी तो पहनूँगी, तो अभी जाती हूँ इसको वॉश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये अच्छा हुआ है कि नहीं। ओ जी, ये तो बिल्कुल नया हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल साफ़ हो गया है, कोई भी मसला नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सा बेस लगा हुआ था जिसकी वजह से, और ये ऐसा लग रहा था। लेकिन देखिए कितना प्यारा है, मैंने इसको पहना भी नहीं था, जब मैंने लिया था मैंने सोचा था पहनूंगी, तो इसके साथ बहुत अच्छी सी इयररिंग्स लेंगे और इसको पहनेंगे, ठीक है, ईद पे पहनूंगी मैं, तो आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही प्यारा। अब मैं इसको अच्छे से मैंने टॉवल के साथ साफ़ किया है, पहले इसको धोया है, अब इसको सूखने के लिए रखती हूँ, फिर उसके बाद जो है इसको किसी अच्छी चीज़ में ना इसको स्टोर करके रख लूँगी। तो चलें जी, ये हो गया। अच्छा, तो जो मेरे लेंसेज हैं ये भी बिल्कुल इनके अंदर पानी है ही नहीं और बिल्कुल सूख चुके हैं, ठीक है, इसके अंदर वाटर डाल के रखेंगे, ठीक है, और इनको चेक करेंगे। और 4-5 दिन है ईद में, मतलब 7-8 दिन है, तो जो है अच्छे से जो है ये हो जाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट से, और जो है हम इनको रखते हैं
अभी, और ये बहुत ही प्यारी ग्रे शेड है। तो जब मैं लगाऊंगी तो लेंस, वैसे भी मैं जो भी लगाती हूँ तो मेरी आईज़ में अच्छे लगते हैं। तो चलें जी इसको रखते हैं और इसके बाद आपको पहन के दिखाएंगे ईद पे। अच्छा जी, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और रोज़ा मैंने खोल लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं आगे की जो वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, खाना बनाऊँगी सब कुछ। मुझे पता नहीं था, बस रोज़ा खोलना था, भूल ही गई, बस मोबाइल चार्ज पे नहीं लगाया। फिर जब वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही थी तो मोबाइल मतलब वीडियो नहीं बना रहा था, बार बार बंद हो जाता था, 5% थी मेरी बैटरी तो वीडियो नहीं बनी। तो बस मैंने कहा रोज़ा खोलते हैं जल्दी से, फिर शेयर कर दूँगी ये क्या बात हुई। तो जब भी मैंने रोज़ा खोला है तो अभी ये फेस थोड़ा सा वॉश करके नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं आज बना रही हूँ चिकन कोरमा, ठीक है। और ये मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, ठीक है। मसाले सारे डाल के दही लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करके 1.5 घंटे के लिए। अब मैंने जो है प्याज फ्राई किए हैं पहले, तो मैंने इनको निकाल लिए। उसके बाद मैंने गरम मसाले को फ्राई करके ऑयल में, फिर मैंने ये सारा जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी, फ्राई करके जब ये इसके दही वाला पानी ख़त्म हो जाएगा फिर मैं अभी प्याज को का पेस्ट बना के फिर इसमें ऐड करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आज मैं कोरमा बना रही हूँ। ये है जी फाइनल लुक, कोरमा रेडी हो चुका है, ठीक है। धनिया मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया और बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी बनता है। और आप ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। कपड़े आ चुके हैं वापस और कोई भी दर्जन अब कपड़े नहीं ले रही, और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और कल इंशाल्लाह कहीं पता करूँगी कि मेरे कपड़े सिल जाएँ, तो आई होप कोई टेलर मुझे मिल जाए अच्छी सी, आई होप सो। अच्छा एवरीवन, तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारे से मैंने लिए थे दरख्त, और ये मतलब ऐसे डेकोरेशन पीस होता है, ठीक है। आप इसको वॉशरूम में रख सकते हो, और ये भी हो गया एवरीवन। तो ये बहुत ही प्यारे से मैंने जो है वॉशरूम के लिए डेकोरेशन पीस लिए थे, लेकिन यहाँ पे मिरर ही नहीं है, तो मिरर का मैंने साकिब को बोला कि मिरर मुझे ला दो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगे हैं मुझे। तो मैंने कहा कि ये वॉशरूम में रखने के लिए है। तो आपको कैसे लगे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट से है, और ये मेरे से फिट नहीं हो रहा, तो इसको मैं बाद में, मैंने कहा भी रख देती हूँ बाद में सेट करूँगी, ये मुझसे अच्छे से फिट हो गया था। तो ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और उसके बाद ये भी था, तो जी मैंने कहा कि ले लेती हूँ। और आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था, जब भी मैं वॉशरूम में आती थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मिरर रख जाएगा तब शेयर करूँगी, तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लेनी है और सेट करनी है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। मुझे घर बनाने का बहुत शौक़ है, और साकिब को भी बहुत शौक़ है कि घर की चीज़ें जो हैं बहुत मतलब प्यारी प्यारी सी हम घर को डेकोरेट करें और घर को जो है जितना हो सके अच्छा बनाएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल लेंगे, और जैसे ही सब कुछ ले रहे हैं मैं आपके साथ तो शेयर कर ही रही हूँ ना। तो आपको आई होप मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, जो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, जो रोज़े हैं आपके अल्लाह पाक इनके सदके आपकी मुश्किलें आसान करें और मेरी भी, ठीक है। तो मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।